अच्छा, तो मोहल्ले में नया इंस्टीट्यूट खुला है। और मैंने ये भी सुना है कि जितनी फीस हम लेते हैं उससे आधी फीस में वो एडमिशन दे जा रहे हैं। और तुम लोगों को क्या लगता है कि हम तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएंगे कि प्लीज हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ के मत जाइए? अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो ना तो बिल्कुल सही सोचते हो। मत जाओ, मत जाओ। नहीं सर, आप ये जगह यहाँ नहीं है। थैंक यू। दिस इज नॉट राइट, ये हमारी टीचर्स हैं। शी सो करेक्ट, करेक्ट बोल रही है वो। और देखो प्लीज छोड़ के मत जाओ, हमारे जैसे टीचर तुम लोग को कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बात एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। जितना प्यार हम लोग को यहाँ मिला है ना, और कहीं मिल ही नहीं सकता। सच, जब फिर हम साथ साथ अगर डायलॉग सुनता हूँ ना, मेरी तो हंसी निकल जाती है भाई साहब। बंद कर अपनी बकवास। अरे क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने तुम्हारे लिए। मैं सोच रहा था कि हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर मैं एक सीरियल बनाता। सीरियल? कौन सा सीरियल? सीरियल भी बनाऊंगा और पर एपिसोड के पैसे भी दूंगा मैं तुम लोगों को। लास्ट चांस। चलो चलो लड़कियों, मेकअप करो जाके। नंबू भी बड़ा बच्चा। जाओ जाओ। तुम्हें ऐसे किए इसने। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से शूट करूंगा, हॉलीवुड से बहुत बड़े टेक्नीशियन बुलाए मैंने। जोरदार तालियां हो जाए। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है? Yes, sir. सुपरमैन देखी होगी? Yes, yes. कैस्पर देखी है? My favorite. ये तीनों फिल्में इन्होंने भी देखी है। Yes, देखिए ना सर। तो ये हैं हमारे कैमरामैन। एक्शन। तू कैमरामैन है, मैं डायरेक्टर हूं, समझा? हाँ, इधर आ जा। तो सर किसका शॉट ले रहे हैं आप? इन भाई साहब का। अरे सर, इस क्लासेस पे जो मैं सीरियल बना रहा हूँ उसको मुझे हिट करना है, समझे? इनका शॉट लीजिए आप, ये आई है बाहर से। ये शूट कर इंडियन ब्यूटी, डू योर ड्यूटी। दुल्हन तो ठीक है सर, दुल्हा कहाँ है? मैं यहाँ पर दुल्हा हूँ, बाकी सब दुल्हन है, समझा? तू बस शॉट लेता रहे, शॉट लेता रहे। अरे यार, एक तो पता नहीं मौसी कब आएंगी, सारा काम मुझे करना पड़ता है और सब मुझे पागल बनाते रहते हैं। ये क्या है? ये शूटिंग का सामान है। अरे ये वाली शूटिंग का सामान नहीं बोले थे, वो कैमरे वाली शूटिंग का सामान बोले थे। अरे मौसी आ गई, मौसी। क्या बे? बड़ा अजीब आदमी है, जब देखो जब ऐसी हरकतें करता रहता है। एक दिन मैंने तारीफ क्या कर दिया कि आपके हाथ की चाय बड़ी अच्छी होती है, तो जाकर किचन में गर्म पानी में अपने हाथ डुबो दिया। तो आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा। पागल कहीं का? अरे पागल नहीं हूं मैं। हाँ पता है, यही बोल बोल के अजीब अजीब हरकत करता रहता है जब देखो जब। कहते मैं तो इतना समझदार हूं कि मैं बीमार होने के पहले ही 5-6 टाइप की गोलियां खा लेता हूँ। और तो मेरा अंदाजा भी बिल्कुल सही निकलता है, मैं जैसी गोलियां खाता हूँ तुरंत बीमार पड़ जाता हूँ। मारू मारू? नहीं मार सकता, ये बंदूक निकली है। जी पागल आदमी, मैं क्रिकेट किसके साथ खेलूंगा? चलो खुद ही खेल लेता हूं। कहां गया? कहां है नसीर? मौसी, नसीर कहाँ है? अरे मौसी पता नहीं, वो जब से आपसे फोन पे बात हुई है ना, तब से वो फोटो से भी गायब है। क्या बात है? तुम्हारी वजह से स्टूडेंट्स भाग गए इंस्टीट्यूट से, तुम्हारी वजह से हुआ है। प्लीज मौसी, ये मुझ पे उंगली उठा के इल्जाम मत लगाओ। अरे मैंने इंस्टीट्यूट बचाने के लिए क्या क्या किया तुम्हें क्या पता? मैंने स्टूडेंट की फीस 10,000 रुपए लिख के बाहर लटकाई थी, साथ वाले ने 4 कर दी। मैंने 4 की, उसने 1 कर दी। मैंने 1 की, उसने 100 कर दी। मैंने 100 की, उसने फ्री कर दी। मैंने कहा भैया तू तो बर्बाद होगा। कहता बर्बाद मैं क्यों, तुम लोग हो गए इंस्टीट्यूट, तुम लोग चला रहे हो। कहता मैं तो वॉचमैन हूँ, लिख लिख के गिनती सीख रहा हूँ। एक ही नौकरी थी हमारे पास, वो भी गई, मैं तो बर्बाद ही हो गया ना। हाँ पहले बड़ा अंबानी का सीईओ लगा था ना ये बुड्ढू अप्पा। एक साइकिल थी वो भी टूटी हुई, उसके भी टायर नहीं थे, आगे पीछे कछुआ बांधा हुआ था।
मैंने बोला सर ये कहाँ से लेकर आए? कहते ये मेरे मामा ने भेजी है, ये पानी पे भी चलती है। और तेरी किस्सू, मुझे लगता है मौसी इनकी वजह से स्टूडेंट इंस्टीट्यूट छोड़ के गए हैं। ये पढ़ाते कम हो गए, कंजूसी ज्यादा सिखाते होंगे। कहते भारती मेरे को ना फ्रेशर किए बिना नींद नहीं आती। मैंने एक दिन छुपके देखा, कुत्ते से अपना मुंह चटवा रहे थे। ये क्या है, मैं कैसे बात करती हूँ, मेरे नकल कर रहे हो तुम लोग? सही बात है, तुम दोनों का कौन से टाटा के बच्चे हो, बकवास करते हो दोनों। तू चुप रहे, समझ में आई? काला कश्मीरी कंबल ओढ़ के फिरंगियों को भालू डांस सिखाती थी। एक मिनट मौसी, ऐसे नहीं करती थी मैं। छोटे छोटे भालू के बच्चे, चुप, ऐसे करती थी। और तू क्या देख रहा, व्हाट आर यू स्मेलिंग? काहे का एक्टर तू है? यहाँ एक्टिंग कम सिखाता, बाहर स्ट्रगल ज्यादा करता है। एक बार दीपिका पादुकोण ने सर पे हाथ क्या फेर दिया, चाचा के मरने पे भी बाल नहीं कटवाए इसने। मेरे चाचा वाचा का नाम मत लेना बीच में। मौसी एक बात बोलूं, वो क्लासेस पे सीरियल बनाने का जो आइडिया था ना कैमरे वाला, वो इसका था। दिल तो कहता है इसका कान के नीचे एक घुमा के दूं। नहीं मौसी, फिर दिमाग भी कहता ना कि उसके बाद ये भी मुझे कुत्ते की तरह मारेगा। हाँ। और आपको भी। मुझे क्यों मारेगा, क्यों मारेगा? इज्जतदार औरत हूं मैं। इज्जतदार? अरे शॉर्ट्स पहन के जवान लौंडों के साथ गोदाम में फुटबॉल खेलती थी। साड़ी पहनना तो हमने सिखाया, इज्जतदार बोलती अपने आप। अरे ये तो किस्सू कुछ भी नहीं, लुंगी पहन के कूलर के आगे सो जाती थी। कूलर हमने साइड में किया, इज्जतदार तुम नहीं हम है मौसी। ए, क्या क्या मौसी, हमारी मालकिन है, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अपनी अपनी आवारा गर्दी होती है, वो कुछ भी करे। इज्जत 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 सीखनी मेरे से सीखो, म्यूजिक टीचर बनो तो फिर आपको पता चलेगा कितनी वैरायटी है इसमें। हाँ सही बात है, पुलिस के डंडे पड़ते हैं, लातें पड़ती हैं, लोगों के घूसे पड़ते हैं, बड़ी वैरायटी का टेस्टी खाना खाया इस आदमी ने पूरी जिंदगी। एक मिनट, तू ज्यादा मत बोल, तेरी वजह से भाग गया बच्चा। कंजूस कहीं का, इतना कंजूस है, इसके यहाँ चाचा मर गए, वहाँ पे लोग माथा मना रहे हैं, वह पर्ची के फूल बतौर के मुखे बेच रहे। ₹10, ₹10, ₹10। क्या बकवास सुन रही है तू उसकी? एक मिनट, मेरी मौसी के बारे में कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अच्छा? नहीं मतलब कंफर्म कर लो, बनियान पहनी है कि नहीं पहनी आज। डरपोक कहीं का? डरपोक आप हैं मौसी, इतने बड़े डरपोक हैं ना, पता है इनके पड़ोस वाले घर में रुमाल की चोरी होगी, उस दिन से अपना कच्चा बनियान भी वेल्डिंग करके पहनते हैं। अखबार बंद कर, जाके बैठ जा अपनी जगह पर। ए, तू मत बोल, जाना बीच में। हाँ मौसी बोलेगी तो बैठूंगा। बात करता है एक्टर, हंसी निकल जाती है, हंसी आती तेरे को? बच्चे भागे, हंस कोई पिक्चर का डायलॉग बोल के। मौसी इसकी वजह से नहीं भागे, तू देश की वजह से भागे हैं। बताओ एक मिनट मौसी, एक मिनट, इसके बारे में सब जानता हूँ मैं। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का मुंडू था, मुंडू मुंडू नहीं गुंडू हो गए आप, गलत हो सुदेशी। तेरी औकात क्या है बताओ तो सबको पता चल जाए, तू है क्या, कुछ नहीं आता तेरे को। एक मिनट चुप करो, अब एक दूसरे की पोल खोलना बंद करो। अरे ये सोचो हम नया धंधा कौन सा शुरू करें, इंस्टीट्यूट नहीं चलने वाला, कोई नहीं आने वाला वापस। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, और आपका माफी गिर के पैर मांगेंगे। डोंट वरी मौसी। डोंट वरी, तेरा बाप डोंट वरी, तेरी तेरी माँ डोंट वरी। अरे मुझे क्या, मैं जवान हो रहा हूँ, मैं डोंट वरी। टेंशन टेंशन मत लो, वो कहना चाहती है। हाँ तो ऐसा बोले ना, इंग्लिश नहीं आती पगली को। अरे छोड़ो ना मौसी, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग तो बाजू वाले इंस्टीट्यूट में चले गए थे। भाइयों मैं बताती, उस दिन जब बॉम्ब फूटा था तो सब जल गया, लेकिन कैमरा के अंदर की टेप नहीं जली। फिर हमने चैनल टेप को दिखाया। इसका मतलब है कि हमने टेप टीवी चैनल को दिखाया। अच्छा अच्छा। जब टीवी चैनल वालों ने टेप देखा तो वो बहुत खुश हो गया, सीरियस सीरियल से कॉमेडी बन गया ना, तो उनको बहुत पसंद आया और प्रोजेक्ट पास कर दिया। अरे मौसी, मौसी मर गई, खुशी के वक्त मर गई। एक मिनट मौसी, क्या बात है, क्या बात है, चची देखो एडवांस चेक। अरे चेक मिल गया, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा डैडी, मेरा डैडी, सीरियल पास हो।
मौसी प्लीज माफ कर दीजिए हमें, हाँ नहीं तो प्लीज मौसी सॉरी। चुप कर गोरखपुर की मुलट्ठी, अब आइए चूहिया उठ के नीचे। कहावत ही नहीं है, कहावत है अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे देख लो खुद चूहिया ऊंट के नीचे आई हुई है। बड़ी बड़ी बातें, ये तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं मैं, आ जाओ तुम अपनी जगह पे बैठो। ये बहुत समझदार है लड़कियां, बहुत डांट रही थी इसको, बहुत बकवास कर रहे थे ना। कृष्णा हाँ सीरियस हो जाए यार, कोई बात नहीं बच्चों से गलती होती है, ये तो आया है बच्चा यार, छोड़ना दो चार इसको। और तू कौओं के हेलीपैड, तारों के पीठ पे साबुन मलने वाला आदमी है, ये क्या बोल रहा था वहां पर खड़े? मेरे को समझ में कुछ नहीं आया लेकिन गुस्सा बहुत आया था। अबे डायनोसर का जूनियर आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट। क्या नाम बताया था अपना तूने? सर बहादुर प्रताप सिंह। हड़ताप तेरा फाड़ दूंगा, ताप तेरा, समझा? खड़े खड़े अपने मुंह से नाभि की चुम्मी लेने वाले आदमी। किसु कभी सड़ेला टेडी बियर देखा है? ये देखो। हाँ इनको बड़ा शौक है। नरगिस की अम्मी बनारस वाली। कुछ नहीं होना, सीरियल में काम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। प्लीज प्लीज सर ऐसा मत बोलिए, हानी तो प्लीज। ए, क्या हानी तो, हानी तो क्या कर लेगी तू? मौसी प्लीज माफ कर दीजिए, हानी तो प्लीज प्लीज। माफ कर दूं? तू क्या देख रहा है? तू क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो, माफ कर दो। बहादुर प्रताप सिंह बनता है? अरे मौसी ऐसा मत कर, मैं डर जाता हूं मौसी, प्लीज। डर जाते देखो मेरा क्या है? बात करते हैं सारे, एक शर्त पे लूंगी मैं इंस्टीट्यूट में। मंजूर है? डबल फीस होगी। हाँ नए असूल, हम भी डबल तनख्वाह लेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई डबल नहीं, डबल में वास्तु का लोचा है, डबल शब्द ही गंदा है। हम ना जैसा था वैसा रखेंगे, समझे? क्या बोलती है भारती? यही कि मौसी मेरे से हवा लेते लेते चेक फट गया। तेरा चेक फाड़ गया, चेक फाड़ दिया? एक मिनट, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा करते हैं 5 लाख का ना 2.5 लाख आज निकाल लेते हैं, 2.5 लाख कल निकाल लेंगे। What an intellectual personality. बैठ जा। कोई बात नहीं, हमें चेक की जरूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट आ गए, मेरे टीचर खुश हैं, बस और मुझे क्या चाहिए? तो मौसी लौट के बुद्धू घर को आए वाली सेल्फी हो जाए। हाँ,